22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में उत्सव जैसा माहौल है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में बताया कि भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्सव जैसा माहौल होगा। सालों बाद राम अपने घर जा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से उत्सव रहेगा। तैयारी सरकार ने भी की है। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से बातचीत करते हैं। 22 जनवरी बड़ा दिन रहेगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, किस तरीके से उत्सव सरकार मनाएगी? देखिए, उत्सव सरकार नहीं मनाएगी, उत्सव भारत के जन जन के लोग मनाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों की पूरे भारत में विशेष रूप से ज्यादा लोगों में उत्साह है। कारण है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। माता कौशल्या हमारे यहाँ की बेटी हैं, इसलिए जब कभी भी ननिहाल के लोगों को जब कभी उसका भांजा, उसका बेटी कहीं भी हो परिवार में, जब कोई अच्छे शुभ कार्य होते हैं तो खुशी सबसे ज़्यादा होती है। और हमारा खुशी हो भी क्यों ना, हमारे भांजे श्री रामचंद्र जी वर्षों बाद अपने घर पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग 25 तारीख को जाएंगे, एक ट्रेन स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, काफ़ी गौरव का पल रहेगा। निश्चित रूप से, हमने चुनाव पहले भी माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी में कहा था कि हम राम मंदिर भी दर्शन कराएंगे। तो 25 जनवरी से 25 मार्च तक हम लगातार छत्तीसगढ़ के हमारे यहाँ के सभी नागरिकों को, बुजुर्गों को, वरिष्ठों को, बहनों को, युवाओं को, सबको राम मंदिर दर्शन कराएंगे, ताकि अयोध्या जाकर वो देख सकें कि हमारे भांजे प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थिति अब कितनी अच्छी हो गई है, पहले क्या था। और हमारे वैसे भी भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री रामचंद्र जी के एक आस्था के प्रतीक हैं, एक पहचान है। भारत की संस्कृति, यहाँ की जान, यहाँ की पहचान, सब कुछ भगवान श्री राम है। कांग्रेस कह रही है इसमें भी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कांग्रेस को तो हर चीज में ही राजनीति दिखती है। जब जब कोई देश के लिए बड़ा काम होता है तब कांग्रेस को राजनीति दिखती है। कांग्रेस आजादी के बाद से आज तक केवल और केवल समाज को बांटने का काम कर रही थी। भगवान श्री रामचंद्र जी के उनके मंदिर का फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा आया, मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, किसी ने एक शब्द कहीं पे कोई बातचीत नहीं की, केवल और केवल राजनीति के लिए। कांग्रेस का ये वही पार्टी है जिसके लोग बोलते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं है, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा तक दिया, और आज वही लोग आगे आगे हो रहे हैं, कभी बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का तो विषय ही नहीं है, ये हमारे आस्था और विश्वास का बात है। एक एक हिंदू का, एक एक हिंदुस्तानी का रोम रोम में भगवान राम बसे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई राजनीति के विषय है। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसको लेकर उन्होंने बात रखी, इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना उन्होंने साधा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।